Hi guys, today I'm back with IELTS speaking and writing vocabulary. Yes, very important words, very important vocabulary words आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए. जैसे कि मेरी पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बहुत सारे words ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक letter के change करने से ही पूरे sense जो है उस word की change हो जाती है. Same उसी तरह से आज भी एक वॉवल को चेंज करने से किस तरह से पूरा जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है, उस वर्ड को कैसे हमने, मैं आपको आज कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे बता रही हूँ, और जो सेम रहते हैं और वो भी बताऊँगी, और जो चेंज होते हैं वो भी बताऊँगी. सो नाउ वॉच दिस वीडियो टिल इट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द बेनिफिट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो वोकैबुलरी वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं आपको आइल्स के रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्लस आइल्स का जो रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग के साथ मटीरियल आपको चाहिए मैं प्रोवाइड यहीं पर करती हूँ. सो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मेम्बर बनने के लिए भी आपको करना क्या है, इसी आइल्स विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज की वीडियो के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का पता ही है कि 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिससे पूरा हम एक वर्ड जो है बनाते हैं. सो आज हम उस वर्ड की बात कर रहे हैं, वर्ड की जनरेशन के लिए साथ, और उसके अंदर जब हम वॉवल को चेंज कर देते हैं तो कैसे उसका जो सिंगुलर से वो प्लूरल फॉर्म के अंदर आ जाता है. सो वेरी फर्स्ट, अगर हम एक आदमी की बात करते हैं, वन पर्सन, तो होता है मैन, MAN. अगर हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की, दो या तीन या उससे ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हो जाएगा मैन. सिर्फ क्या चेंज हुआ, वॉवल ए की जगह ई हो गया. ओके, सो अगर हम एक वुमेन की बात करते हैं तो एक वुमेन, एक लेडी की बात करते हैं तो वन वुमेन, और अगर हम दो या दो से ज़्यादा लेडीज़ की बात कर रहे हैं तो होगी वुमेन, वुमेन्स या नहीं होगा, वुमेन, WOMEN, ए की जगह ई. नेक्स्ट हम अगर एक पैर की बात करें, मेरे पैर में दर्द है तो हम बोलते हैं वन फुट, तो हम बात करते हैं, अगर हम एक पैर की बात करें तो फुट, माई फुट. अगर हम दो या तीन चार लोगों के पैरों की बात कर रहे हैं कि उन सबके पैर देखो या देखे, तो हम बात करते हैं फीट. दो या दो से ज़्यादा, हम दो पैरों की बात करते हैं, माई फीट, ठीक है, तो फीट, तो फीट होता है दो से ज़्यादा लोगों जो पैरों की या बात हो रही है. अगर हम एक दांत, मेरे दांत में दर्द है, वन टूथ, ओके, एक दांत में दर्द है, वन टूथ. अगर हम पूरे दांतों की बात कर रहे हैं कि दांतों को ब्रश किया, तो हम टूथ ब्रश नहीं करेंगे, टीथ, ओके, ब्रश योर टीथ, हम ब्रश योर टूथ नहीं बोलेंगे, ओके. अगर हम एक गूस, ठीक है, अगर हम एक गूस जो है उसमें सिर्फ वॉवल चेंज होगा, ऊ की जगह ई, गीज, गीज हो जाएगा. अगर हम बहुत सारे गीज, बहुत सारे जो गीज की बात करते हैं, ओके, गूस एक और बहुत सारे के लिए गीज. माउस, एक चूहा देख रहे हो तो उसको माउस बोलोगे, लेकिन माइस हो जाएगा जब दो से ज़्यादा चूहे, जब चूहों की बात कर रहे हैं तो माइस में चेंज हो जाएगा, ओ को हम आई में चेंज करते हैं, माइस, ओके. सो तो चलिए अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से जो नाउन है वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं, सिर्फ एक एफ को अगर हम वी में चेंज कर देते हैं, किस तरह से, लाइक अगर हम बात कर रहे हैं एक चोर की तो हम बोलेंगे वन थीफ, अगर हम बहुत सारे चोरों की बात कर रहे हैं तो हम वन, सो मैनी थीव्स नहीं बोलेंगे, थीव्स, एफ जो है वो वी में चेंज हो जाता है, थीव्स, ओके. अगर हम एक, वन हाफ, एक आधे की बात कर रहे हैं तो वो होगा वन हाफ, अगर हम बहुत सारे आधे आधे पीसेस की बात कर रहे हैं तो टू हाफ्स, ओके, दो हाफ या थ्री हाफ्स या फोर, जितने भी आप बहुत सारे पीसेस को लेके कर रहे हो तो हाफ पीसेस, ओके. तो नेक्स्ट इज वन लीफ, अगर एक पत्ते की बात कर रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो किसी को, तो वन लीफ, अगर बहुत सारे पत्तों के बारे में बात की जा रही है तो आप लीव्स बोलेंगे, तो लीव्स नहीं बोलेंगे, एस एफ के साथ नहीं लगाएंगे, एफ को चेंज करेंगे वी में, ओके, लीव्स. इसी तरह से लोफ, ब्रेड होता है लोफ, वन लोफ,
तो उसको लोफ को हम लोफ्स बोलेंगे, मीन्स व, लोफ्स नहीं बोलेंगे, लोफ्स नहीं बोलेंगे, लोफ्स, ओके। नाइफ जो है वो चेंज होगा, बहुत सारे चाकुओं की बात करेंगे जब, तो नाइफ्स, उसको हम नाइफ नहीं बोलेंगे, ओके। नाइफ्स भी नहीं बोलेंगे, नाइफ्स, ओके, व, नाइफ्स। अभी जो चेंज बिल्कुल भी नहीं होते, अभी ये तो चेंज था कि अगर हम एफ को व में लगा के व थीफ को थीव्स बना दिया, या मैन को मैन बना दिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अंदर बिल्कुल सेम रहते हैं। तो चलिए अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें क्या है, सबसे पहला जैसे सीरीज़, हम कह रहे हैं कि सीरीज़ जैसे 10 एपिसोड्स की सीरीज़ है। अभी एक एपिसोड की, 10 एपिसोड्स की सीरीज़ है, तो 20 की भी सीरीज़ ही होगी, ओके। या 1 एपिसोड या 1 सीरीज़ है, इसके अंदर 25 एपिसोड्स हैं, फर्स्ट सीज़न 1 सीरीज़ 1, ओके, इसके अंदर 25 एपिसोड्स हैं। 2 सीरीज़, इसके अंदर भी 25 एपिसोड्स हैं। तो 1 भी सीरीज़ है और 2 से ज़्यादा भी सीरीज़ ही होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट इज़ फिश, अगर हम फिश की बात करते हैं, उसको फिशेज़ नहीं बोलेंगे, लुक एट द फिशेज़, दैट इज़ रॉन्ग। अगर हम 2 से ज़्यादा बहुत सारी फिशेज़ देख रहे हैं, तो हम उसको भी फिश बोलेंगे, लुक एट द फिश इन द पॉन्ड, ओके। तो एक या 2 से ज़्यादा बात हो रही है तो भी फिश लेके आए हैं मार्केट से, तो ऐसा नहीं कि फिशेज़ लेके आए हैं मार्केट से। सो 1 शीप, एक शीप है और एक से ज़्यादा भी जो है शीप्स नहीं बोलेंगे, शीप ही रहेगा, 2 से ज़्यादा भी शीप ही है। 1 मूज, तो 2 से ज़्यादा भी मूज ही रहेंगे, मूजीज नहीं बन जाएंगे वो। 1 डियर, तो डियर्स नहीं होंगे वो, एक से ज़्यादा अगर डियर दिखते हैं आपको, हिरन, तो वो एक से ज़्यादा भी डियर ही रहेंगे, वो डियर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे सिंगुलर जो कि प्लूरल होके भी चेंज नहीं होते। सो दीज ऑल आर द वोकेबलरी और राइटिंग के अंदर जो चेंजेस होते हैं, या आज हमने वो किए हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर स्पीकिंग और इन योर राइटिंग। तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो आपने उसको कैसे बोलना है, जब सिंगल की बात हो रही है तो कैसे बोलना है, जब सिंगल किसी बर्ड या सिंगल थिंग के बारे में बात कर रहे हो तो किस तरह से करनी है, और जब मल्टीपल के बारे में बात कर रहे हो तो किस तरह से करनी है। सो दिस इज़ द वीडियो रिलेटेड विद योर आई एल स्पीकिंग एंड राइटिंग वोकेबलरीज। सो वॉच दिस वीडियो एंड